कि हमारा जो एज पर डिजिग्नेशन हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है वो इससे कोसों दूर है। लाइनमैन की काम है पावर को चलाओ, पावर को काटो। सारी बिजली फीस अदा करेगा उसको पावर चलाओ, सारी बिजली फीस नहीं देगा उसकी लाइन कटाओ। ये उसकी जिम्मेदारी है। एक मीटर रीडर की जिम्मेदारी है वो मीटर रीडर को मीटर रीडिंग सबमिट करने में स्ट्रीम लाइन से वो अपनी रीडिंग को बजा दे। एक टेक्नीशियन की काम है स्टेशन में या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में टेक्निकली तौर उसको रिपेयर करने की। जब इतनी चीजें हैं, नेचर ऑफ जॉब उन मुलाजिमों की है, तो जब गुस्सा आया है ऊपर से तो इस मुलाजिम को जुर्मे नापेद की बुनियाद पे, शुगले सईब की बुनियाद पे, जो गुनाह उसने नहीं किया उस गुनाह को हाथों में लेकर, माथे पे लेकर और उसके माथे पे बदनुमा दाग सस्पेंशन की आर्डर में दिया है। ये शेम है पावर मैनेजमेंट। वो जो 70 साल से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ सड़क बिजली पानी, यहाँ के सियासतदानों ने बार बार यही किया कि हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पॉलिटिसाइज करेंगे और 70 साल से इसको सियासी इस्तेमाल का शिकार किया गया है। अब जब 3 सालों से इसको हमने रिफॉर्म किया है, हमने इम्प्रूव किया है, सब कुछ करने के बाद हमें एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, मगर बदले में क्या है? कहीं पे इंजीनियर की सस्पेंशन, कहीं पे AEE की सस्पेंशन, कहीं पे लाइनमैन की सस्पेंशन, कहीं पे MR की सस्पेंशन। इट इज अ क्वाइट वायलेशन ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस्तदा करते हैं इस मंच की वसादत से कि जहां आप वोटर्स को सेफ गार्ड देना चाहते हैं वहां पे आपने बिजली घर के 20,000 मुलाजमों का बिल्कुल गला घोंट कर, उनको तरह तरह की इज्जतें देकर उनको हरासा किया जाता है, उनकी फैमिली को हरासा किया जाता है और उसके साथ साथ स्मार्ट मीटरिंग का मसला है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, आपने स्मार्ट मीटर डाले हैं बियर कंडक्टर, जबकि लाजमी मलजूम है एज पर टेक्निक्रेटी केबल और स्मार्ट मीटर, ये दो लाजमी मलजूम चीज है। मगर कश्मीर में क्या हो रहा है, यहां पे बियर कंडक्टर हजारों रुपया खर्च करके बियर कंडक्टर पर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाता है, वो लाश कहां रुकेगा? जब इजी एक्सेस हर किसी के पास है तो लाश कहां रुकेगा? तो इस सिलसिले में हम यही चाहते हैं कि अगर पावर मैनेजमेंट को कुछ अंदर से कुछ पक रहा है, पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ये इस्तदा करते हैं, वो आप बाहर निकालिए और हमें बताए आखिर करना क्या है। जो जो फरमान आपने आज तक दिया है हमने मन व अन वो तस्लीम किया और ग्राउंड लेवल पे हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई, चाहे DT रेशो डैमेज का मसला हो, चाहे TND का मसला हो, चाहे ATNC का मसला हो, चाहे बिलिंग एफिशिएंसी का मसला हो, चाहे कलेक्शन एफिशिएंसी का मसला हो, ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें आपकी अप्रिशिएशन नहीं चाहिए। हम अपनी तनख्वाह लेते हैं और अपनी काम करते हैं, मगर अप्रिशिएशन के बदले आपने मुलाजिमों को डिमोरलाइज करने की कोशिश की, पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ये बर्दाश्त नहीं की। इस सिलसिले में हमने अब यही फैसला लिया है, एमिकेबली हमने ये फैसला लिया है कि कल 25 मार्च को पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हनवारा से लेकर कैरन से लेकर लखनपुर तक जितने भी मेंटेनेंस में ED के सब डिविजन्स हैं, STD हो, KPTCL हो, KPCL हो, जितने भी कॉरपोरेशन इसमें हैं, PDC हो, हर जगह पे सब डिविजन लेवल पे एक पूरा अमून काम छोड़ हड़ताल होगा, उसके साथ साथ एहतजाज होगा और हम मुलाजमों से इस्तदा करते हैं कि वो सब डिविजन में रहकर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए वहां पे और वहां पे बैनर हाथ पे लिए उसमें ये लिखिए कि रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर्स। वो तब तक पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई भी बातचीत पावर मैनेजमेंट के साथ करने नहीं चाहती है जब तक उन मुलाजमों का आप जो सस्पेंशन है उसको रिवोक नहीं किया जाए। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी आज का ये प्रोग्राम है और आगे का क्या लाइम रहेगा तो वो इंशाल्लाह आफ्टर कंक्लूजन आफ्टर डिस्कशन ऑफ द थारो क्या हो जाएगा उसके बाद उसका भी हम रिपोर्टली ऐलान करेंगे। तो अब आखिरी यही है कि कल एक दिन का काम छोड़ हड़ताल होगा सब डिविजन लेवल पे और हर एक सब डिविजन में हर मुलाजिम प्ले कार्ड हाथ में लेकर उस पे ये लिखे कि ये जो ज्यादती हो रही है, जो सस्पेंशन हो रहा है, उस सस्पेंशन को कैंसिल किया जाए, उसको रिवोक किया जाए
और अदरवाइज दूसरा स्ट्रेटजी क्या होगा पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उसका वक्त पे इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। बाकी इत्तेहाद ए मुलाज़मीन जिंदाबाद।